डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बारात में लगे डीजो से मकान का छज्जा गिरा। दरअसल थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र का मामला है, जहां बारात में डीजो की आवाज इतनी तेज थी कि एक मकान का छज्जा ही गिर गया। छज्जा गिरने से बारात में ही दो पक्षों में विवाद शुरू हो गया। इस दौरान थाना कोतवाली और ब्रह्मपुरी पुलिस मौके पर पहुंची थी, जब जाकर मामला थोड़ा शांत कराया गया। देखिए इस विवाद में पीड़िता लड़की ने बीजेपी नेता कमलदत्त शर्मा को क्या जानकारी दी। बाद में क्या हुआ, पहले तो वही मारा, दरवाजा लात अपने आप ही खुद ही दरवाजा गिर दिया, और ऊपर से लात के तस्ले पता ना कहाँ से गिर दिया, कहाँ से नहीं, सारे में ऐसा हो गया धूल 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 धूल। बाद में क्या करा, फिर हमारी छुट्टी पकड़ा था, खींचने लगा। कौन था वो, नाम ही तो नहीं मालूम, मैं देख के बता दूंगी। एक ने तो चोटी पकड़ के मेरे पीछे से नू खींच दिया, और एक लड़की और थी मेरी भतीजी, उसको गर्दन पकड़ कर उसके यहाँ पर नखून भी लग रहे हैं भैया। एक सेकंड वो खुद बता देगी, चुप रहो, शांत रहो। नखून ने मतलब गला खींच लिया, पकड़ा मेरे भैया को भी खींच लिया, मेरा भतीजा लगा वो भी, उसके तो खून खच्चर कर दिए, गले पे निशान हो रहे अलग, मेरे भाभी का लोहे का डंडा मारा यहाँ से आज तक। दो से चार लड़के थे वहाँ भैया, उस टाइम पर लड़के ही नहीं थे वहाँ पर हमारे कोई भी, हम लोग पर ये समझो उन्होंने पहले से प्लान कर रखा था कि दरवाजा फेंक दिया, क्या मैं जानता रोज उन्होंने लात मार के पहले दरवाजा फेंक दिया, फिर राख के तसले गए थे, कट्टे गए थे ऊपर से, मतलब क्या है ये, क्या मतलब है भैया। एक दुकान है जिसमें अभी डंडे डंडे सब चीज रखी है, लोहे के डंडे ले लिए तो आगे सब, और हमारे कोई भी साथ का लड़का नहीं था, मेहमान था वो भतीजा लगा, उसकी भी कन्या थी, सब लड़कियां था, हां और लेडीज थी सब, पहले लेडीजों को खींचा, फिर उन्होंने जब पता चल गया हमारे आदमी जब लोग गए यहाँ से, जब यहाँ से लोग गए हमें बचाया तो उनके भी गर्दन पकड़े, लोहे का डंडे बजाए, भाभी मेरे जिनका भी हाथ बोलने तू आ गया, तुम बोलने बजाने चलो, और हमारे ये निशान हो रहे हैं, ये और उनके भी। एक बात सुनो, एक बात सुनो, आपके साथ घटना हुई, उनकी जो जिन्होंने करी है ना, उनका इलाज पुलिस ठीक ढंग से कर दी, परेशान मत हो, और हम मिलकर। इस मामले में SP सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। बारात में झगड़े की सूचना मिली है, क्या पूरा मामला है, कहां का मामला है? ये थाना कोतवाली क्षेत्र का प्रकरण है। कल शाम को एक बारात के निकलने के दौरान बारात में लगे डीजे से एक दुकान का छज्जा टूट गया था, जिसको लेकर दो पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसमें तत्काल थाना कोतवाली और ब्रह्मपुरी थाने का फोर्स मौके पहुंच गया था। मौके से चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, इस संबंध में अभियोग पंजीकरण किया गया है, अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है, मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। दूसरी तरफ से भी सर तहरीर रही है? अभी दूसरी तरफ से तहरीर नहीं आई है। अभी के लिए इतना ही, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं, कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।